तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। दोस्तों वो दौर था 1973 का, जब फिल्म लगी थी बॉबी। इस फिल्म को हर कोई देखना चाहता था। असल माजरा क्या था वो हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों बस का इंतजाम भी किया गया था फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखने के बाद लोगों को गांव तक उस बस में छोड़ा भी जाता था। तभी तो दोस्तों गांव वालों ने उस बस का नाम रख दिया था बॉबी बस। यही होता है ना दोस्तों। संगीतमय रोमांस से भरपूर यह ऋषि कपूर डिंपल की जोड़ी। फिल्म के शूटिंग के दौरान दोनों के अफेयर, डिंपल का बिकनी में नजर आना, फिल्म की शूटिंग के दौरान डिंपल प्रेग्नेंट हो जाना, बॉबी फिल्म के शूटिंग को रोक करके डिंपल राजेश खन्ना की शादी, और डिंपल का फिर कभी फिल्मों में काम नहीं करना, यह सब कारण थे जो दोस्तों लोग फिल्म देखना पसंद कर रहे थे और लोकल समाचार प्रकाशित कर रहे थे। दोस्तों 1973 में राज कपूर ने 15 साल की सुंदर डिंपल को एक नजर में ही बॉबी फिल्म के लिए कास्ट कर लिया था। और ऐसा हो भी क्यों ना दोस्तों, खूबसूरत डिंपल को देखकर पहली मुलाकात में राजेश खन्ना ने शादी के लिए प्रपोजल दे दिया था। दोस्तों बॉबी की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर और डिंपल की नजदीकियां बढ़ने लगी थी और दोनों ही जल्द ब्रेकअप हो गया। दोस्तों समाचार पत्रों के माध्यम से ऋषि कपूर ने बताया कि फिल्म बॉबी की शूटिंग के दौरान ही डिंपल प्रेग्नेंट हो गई थी। दोस्तों असल में अपने से 15 साल बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना की फैन थी डिंपल। तभी तो राजेश खन्ना ने उनके घर हाथ मांगने गए, परिवार वाले राजी हो गए और बॉबी की फिल्म की शूटिंग को कुछ दिन रोक दिया गया दोस्तों, और दोनों ने शादी कर ली। दोस्तों जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म देखने के लिए भीड़ लग गई। ये सब प्रमुख कारण थे दोस्तों। आपको हमारा चैनल कैसे लगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट मीडिया देखो दिल से। थैंक यू वेरी मच।